आपको लगा था ना कि ये वीडियो की शुरुआत भी लास्ट वाले वीडियो जैसी होगी, तो नहीं, इस बार नॉर्मल रखते हैं। वेलकम बैक गाइस टू अवर चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। गाइस एक खुशखबरी देनी थी आपको, हम सब अब 100 प्लस की फैमिली हो गए हैं। आई मीन हमारे चैनल पे अब 100 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसके बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। मैं आशा करता हूँ कि आप आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मेरे ऊपर बरसाते रहेंगे और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देता रहूँ। एक और बात गाइस, आज का ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो प्लीज़ इसे एंड तक देखिए। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो गाइस आपने आज का टॉपिक इस वीडियो के टाइटल पे देख ही लिया होगा। हम हमेशा बात करते हैं इमोशन और मेंटल हेल्थ की या मोटिवेशन की, लेकिन इस बार हम थोड़ी सी रियलिटी से जुड़ी हुई बात करने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं कुछ नया स्टार्ट करने की। बहुत बार क्या होता है ना कि हम कुछ नया स्टार्ट करने का सोचते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, या अगर वो इम्प्लीमेंट हो भी जाता है तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो हम कहाँ पे गलती करते हैं? तो इसी के रिगार्डिंग मैंने कुछ 4 पॉइंट्स बनाए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कुछ नया स्टार्ट करने से पहले। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इस पॉइंट्स के ऊपर। तो पॉइंट नंबर 1, खुद से अपने इंटरेस्ट के बारे में पूछो। ये पता लगाओ कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है और उसी के रिगार्डिंग कुछ स्टार्ट करो। बहुत बार क्या होता है ना कि हम कोई और स्टार्ट कर रहा है, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, इसलिए कोई दूसरी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद हमारा इंटरेस्ट निकल जाता है और फिर क्या होता है कि हम दूसरी चीज़ें ढूंढने में लग जाते हैं। तो इससे अच्छा तुम्हें जो पसंद है, तुम्हें जो अच्छा लगता है, उसी चीज़ में तुम उसको कैसे पैसे कमा सकते हो वो स्टार्ट करने का सोचो। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई चीज़ आपकी पसंदीदी हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो चीज़ आप छोड़ दोगे, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2, आपको आपका इंटरेस्ट पता लग गया है, लेकिन आप क्या करने लग जाते हो, आप एंड रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाते हो। तो उससे क्या होता है कि आप डे ड्रीमिंग में चले जाते हो। देखो ड्रीम्स देखना अच्छी बात है, मेरे भी कुछ ड्रीम्स है, लेकिन अगर आप डे ड्रीमिंग में चले जाओगे कि मेरा ये होगा, मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा, मैं इतना बड़ा आदमी हो जाऊंगा एंड ऑल लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो चीजें बिगड़ जाती है, आप रियलिटी से भटक जाते हो। तो आपको ये सोच के रखना है कि मुझे एंड रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ लगन से और मुझे खुद को इम्प्रूव करना है। अगर आप लगन से काम करोगे तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई भी काम हो उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अब आता है पॉइंट नंबर 3 के बारे में। आपका इंटरेस्ट हो गया है, आपको दिमाग में आपने सेट कर लिया कि मुझे एंड रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, लेकिन आप फिर से अटक जाते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे आती है बात लोगों की कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे तो नहीं, फेल हो गया तो क्या होगा, लोगों को मुझे इम्प्रेस करना है, लोग इम्प्रेस नहीं हुए तो क्या होगा। तो आप एक बात ध्यान से समझ लो कि पहले ही ट्राई में कोई भी लोग हो चाहे वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो टाइम लेंगे खुद का, वो देखेंगे कि आप कैसे काम कर रहे हो, कैसे इम्प्रूव हो रहे हो, उसके बाद लोग आपको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग होंगे जैसे फैमिली, आपके रिश्तेदार या आपके कुछ दोस्त होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको हर एक से अप्रिसिएशन मिलेगा उसकी उम्मीद आप छोड़ दो। मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, जस्ट स्टार्ट कर दो और फिर देखा जाएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। आपका इंटरेस्ट मिल गया है, आप एंड रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहे हो, आपको नहीं फर्क पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, बताओ क्यों? तो उसका रीजन है प्लानिंग। आप क्या करते हो ना कि अपने दिमाग में इतनी प्लानिंग करने स्टार्ट कर देते हो कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे परफेक्ट ही होना है, लोगों को अच्छा ही लगना चाहिए। उस सारे सोच में ना अपना दिमाग ही सेल्फ डाउट क्रिएट कर देता है कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं होगी, अगर ऐसा करेंगे तो ये नहीं अच्छा लगेगा लोगों को, लोग पसंद करेंगे भी या नहीं। ये सारी चीज़ों में इतने हम उलझ जाते हैं कि हमारा स्टार्ट होने का प्लान ही फेल हो जाता है और हम उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। मेरे साथ भी काफ़ी बार ये चीज़ हो चुकी है,
लेकिन अब जब मैं वो चीजें मार्केट में देखता हूं तो मुझे खुद पे गुस्सा आता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है, ना कि परफेक्शन पे। आप स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होती जाएंगी और परफेक्शन आता जाएगा। आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, मेरा पहला वाला वीडियो देख लो और आज का ये वीडियो देख लो। पहले वाले वीडियो में काफी सारी दिक्कतें थी, मेरा आई कांटेक्ट नहीं था, मेरी स्पीच डिलीवरी सही नहीं थी, मैं पूरा मोनोटोनस लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे लोगों के जो सजेशंस आते गया और फिर मैंने खुद ने देखा कि क्या चीजें मुझे इंप्रूव करनी है, तो धीरे धीरे करके चीजें इंप्रूव हो रही है और आपको शायद से रिजल्ट भी दिख रहा होगा। अब आप में से कई सारे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि कुछ तो स्टार्ट करना है, लेकिन क्या स्टार्ट करना है वो नहीं समझ में आ रहा। आप में से कई सारे लोग होंगे उनको लग रहा होगा कि मेरे अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है, तो मैं क्या ही स्टार्ट कर पाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों, हम हर एक के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होता है और हमें बस उसे ढूंढना पड़ता है। अगर आपसे वो चीज नहीं हो पा रही है तो आप अपने फैमिली या दोस्तों दोस्तों से पूछो, उनसे पूछो कि ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो उनको आपके अंदर नजर आती है। अगर आपको वो भी हेल्प नहीं कर पा रहे तो मैं आपको हेल्प करूंगा। आपको क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो 3 से 4 सवाल लिखे हैं उसका जवाब मुझे मेरे मेल आईडी पे भेजना है, फिर मैं आपको हेल्प करूंगा आपका टैलेंट ढूंढने में और उसको मोनेटाइज करने में। हम मिलके ट्राई करेंगे कि आपको आपका टैलेंट मिल जाए और आप कुछ नया स्टार्ट कर पाओ। तो आज हमने 4 पॉइंट्स पे डिस्कशन किया। पॉइंट नंबर 1, हमें खुद से पूछना है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमें क्या अच्छा लगता है। पॉइंट नंबर 2, हमें एंड रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। पॉइंट नंबर 3, हमें लोग क्या कहेंगे, उनका क्या नजरिया है हमारे तरफ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और पॉइंट नंबर 4, हमें प्लानिंग की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हमारा जो टाइम है उसे प्लानिंग में ही सिर्फ वेस्ट नहीं करना है, हमें स्टार्ट कर देना है और स्टेप बाय स्टेप परफेक्शन के साइड जाना है। एक स्टेप में परफेक्शन हमें नहीं चाहिए दोस्तों। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही हो कुछ नया स्टार्ट करने के लिए तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। मुझे काफी हौसला मिलता है आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से, तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेके। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपने घर वालों का। बाय बाय, सी यू।